शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देश में अनूठा उदाहरण बनाने के लिए अब मोहन सरकार पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, तब इसे लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रदेश के 55 जिला केंद्रों में उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का अभाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान, इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, फिर लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे। देखिए, हमने क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 55 मध्य प्रदेश में एक प्रकार से उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उनमें सभी प्रकार के विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का जो संकल्प है, एक प्रकार से प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में दिखने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी। उन्होंने कहा कि गणवेश को लेकर विचार चल रहा है, हम आने वाले समय में एक सहमति बनाकर गणवेश लागू करने की कोशिश करेंगे। सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक आदर्श ड्रेस कोड लागू करेंगे जिससे किसी भी वर्ग को उससे आपत्ति न हो। उनमें हम सब प्रकार की आदर्श व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिए पहले उनमें ड्रेस कोड लागू करें, इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 14 तारीख को पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय पर शुभारंभ कराने वाले हैं। इंदौर से उनके कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों से जुड़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा मूवमेंट मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक होगा। शिक्षा में क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करते हुए सभी विषयों की पढ़ाई कराते हुए और इसलिए अनुशासन का माहौल कैंपस में बने और इन कैंपसों में बाहर के विद्यार्थी कोई यदि घुसते हैं, गड़बड़ करते हैं, असामाजिक तत्व घुसते हैं तो ड्रेस कोड होने के कारण से वो अलग से पहचान आ सकते हैं। इस प्रकार का एक सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से। ये मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज आज अपना ड्रेस कोड लागू किया, वहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। हम भी सभी वर्ग को स्वीकारता वाला ड्रेस और उस पर व्यापक चर्चा समाज में सहमति बनाने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का शैक्षणिक जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बने, बहुत श्रेष्ठ बने और हम केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं तो विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला भी मध्य प्रदेश बन जाए, इस प्रकार का प्रयास करना। कुल मिलाकर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण बनेंगे बल्कि इन कॉलेजेस में समुचित व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।